ये बताओ मेरे को कि सर की क्लास जीरो था सर, जीरो था इस समय, जीरो था पूरा। सर की क्लास में केवल थ्योरी होती है कि प्रैक्टिकल भी होता है? नहीं सर, थ्योरी भी प्रैक्टिकल दोनों होती है। दोनों साथ में चलते हैं? हाँ। दोनों को सिंक्रोनाइज करते हैं? यस सर। और मतलब ये बताइए कि एंड तक कोई ऐसी चीज बचती है, कोई उनके पास जेब में रखते हैं कोई चीज की नॉलेज पूरा? सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि देव सर के यहाँ ये है कि आप जितने बारे पूछ लीजिए, वो कभी भी उनका मैंने ये नहीं उतारे यार तुम नहीं समझ रहे ऐसा, इस टाइप से बिल्कुल नहीं है। जितनी बार पूछो उतनी बार बताएंगे और हर बार तरीका बदल बदल के मैंने समझाने की कोशिश करेंगे कि इसको समझ में आ जाए। ये उनका बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। चलिए ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि आपका पहले दिन में आपकी फीस वसूल हुई कि नहीं हुई? एकदम सर, मैं तो मुझे तो और बहुत पहले आ जाना था, मैं बहुत लेट कर दिया एक्चुअली। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो एक लाइन बोलूंगा सर, इतना केयर पैसे लेने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे मोबाइल फिर से हो, चाहे IAS हो, क्यों किसी भी चीज़ के हो, फीस लेने के बाद इतना केयर किसी। एक बार क्लैपिंग कर दो भाई, इन्होंने रियलाइज किया है। एक बार इन्होंने क्लैपिंग कर दो। और मैं चाहूँगा कि ऐसे डांटते रहें, और क्योंकि उनका डांट एक फिक्र की याद दिलाती है कि घर से हम इतने दूर आए हैं, वो याद दिला रहे हैं बराबर कि तुम क्यों आए हो। तो थैंक यू सर, मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये चीज़ सबके साथ हो। और सबके साथ होना चाहिए। देखो भाई, यहाँ हम पढ़ने आए हैं, बहुत अपना दुकान बंद करके आए, सब चीज को बंद करके आए, और यहाँ हमारा फोकस केवल पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर आपका फोकस भटकेगा तो हम भटकने नहीं देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच इसे टेलीकॉम, और मुझे उम्मीद है कि आगे का जब मैं 10 दिन 15 दिन बाद रिव्यू दूंगा, सर से रिक्वेस्ट है मेरा लाइव जरूर लें कि मैं बता सकूं कि मतलब 15 दिन में तो यहाँ मजा ही आ गया। मतलब कौन कौन ने MMC रिवॉल्व किया इसके अंदर से? सबने किया सर। कितनी बार किया? 5-5 बार। कितनी बार किया? 5-5। कितनी बार किया? 5-5। कितनी बार किया? 5-5। इधर 5-5। यस सर। 9 बार किया सर। 8 बार करिए। 8 बार डायरेक्ट क्लास चलिए। यस सर। सर की क्लास कहाँ तक चली आपके साथ? 6 घंटे क्लास चली आपकी। यस सर। और फिर देव सर के क्लास के बाद ये बताइए आपका प्रैक्टिकल कितने समय चला? 7 घंटे। 7 घंटे इनफ होते हैं प्रैक्टिकल? यस सर। तो एशिया टेलीकॉम बोलता है कि 12 घंटे हम क्लास देते, तो देता है कि नहीं देता? देता है। आपका दिया सर। पक्की बात है? एकदम पक्की बात। सही बात है? यस सर। तो क्या क्या फीलिंग्स है आपकी? सर बहुत अच्छी फीलिंग्स है सर, जितना मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था सर उससे कई गुना ज्यादा ही है कि मतलब हाँ यहाँ से जाएंगे तो कुछ करेंगे वहाँ पे आएंगे तो। तो वो चीज हो रही कि नहीं हो रही आप? हो रही है सर। अगर मैं पहले दिन बोलूं कि कल आपने फीस दी तो आज तुम्हारा को पैसा वसूल होते हुए दिखता है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है आपको पैसा वसूल होते हुए? उससे कहीं गुना ज्यादा। हम लोग को अब ये है कि अगर हमसे बने तो बने, नहीं तो किसी से ना बने वो। अच्छा, ये है सर। तो हर चीज का एंडलेस सॉल्यूशन मिल रहा है? हाँ हाँ सर, मिल रहा है। बन पाता बराबर। तो देव सर का मैं वीडियो देखता था तो मुझे अच्छा लगता था, काफी बहुत अच्छा डिटेल में समझाते थे, लेकिन मैं नहीं कर पाता था इसीलिए यहाँ पे आके ज्वाइन किया, और जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा मिला मेरे को देव सर से। तरीका क्या है पढ़ाने का और लेवल क्या है उनकी एनर्जी का, और नॉलेज कितना है सर के पास? लेवल तो सर इतना हाई है, इतना हाई लेवल का पढ़ाते हैं कि हमको लगता है पूरे इंडिया में ऐसा कोई नहीं पढ़ाता होगा। बहुत जबरदस्त तरीका। किस लेवल का नॉलेज है उनके पास? इंडलेस मैंने पढ़ाते हैं, मैंने शुरू से लेकर, मैंने जैसे मैं इससे पहले भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर जानता था, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से ये होता है या कैपेसिटर की वजह से ये प्रॉब्लम, ये बिल्कुल नहीं जानता मैंने। इतना नॉलेज आज पहले ही दिन का क्लास में मुझे मिला जो मैं सोच नहीं सकता कि इस तरह का नॉलेज आज मिला मेरे को। तो आपको ये माना कि आपको कुछ भी नहीं आता उस लेवल से बताया? कुछ भी नहीं आता। तो आपको दो कंपोनेंट बताए, दो कंपोनेंट आपके समझ में आए कि नहीं आए? जी। और दो कंपोनेंट की क्लास कितने? 6 घंटे चली आप? 6 घंटे। 6 घंटे क्लास चली, तो 6 घंटे पे क्या लेवल था उनका समझाने का? हाई लेवल था सर उनका। अनुशासन बहुत तगड़ा है, तो अनुशासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई के लिए अनुशासन होना चाहिए सर। वो ये अनुशासन पूरे स्टूडेंट के लिए बेहतर रहेगा, जितना अनुशासन रहेगा स्टूडेंट को फायदा है। हमें राजो देव सर की क्लास हुई वो बहुत अच्छी थी, और टेक्निकल तरीके से उनका समझाने का एक जो तरीका है वो बिल्कुल ऐसा है कि छोटे बच्चे से लेकर फिर एक्सपर्ट तक जाना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो समझाते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, नैनो स्टेप में बताते हैं, नैनो स्टेप में, और वो हर किसी को ये समझ में आता है कि ये रजिस्टर्स हैं, और अगर रजिस्टर्स के बारे में उन्होंने जैसे आज की क्लास में समझाया तो उसमें समझ में आ रहा था कि उनकी वर्किंग क्या है, उसको भी एक जो जितने डिपार्टमेंट डिवाइड किया हुआ है वो पूरा एक इस तरीके से लग रहा था कि एक मैकेनिकल तरीके से ना समझा कर एक इंजीनियरिंग तरीके से समझाना, उसको हाई लेवल पर लेना बराबर, और उसके लिए देव सर को मेरी तरफ से थैंक्स। क्लास थी आपकी देव सर के साथ? देव सर के साथ। क्या लेवल से पढ़ाया सर ने आपको? बहुत बेहतरीन पढ़ाया सर।
क्या बोलेंगे सर के लिए अगर एक शब्द में पूछना चाहूँ तो? बहुत बेहतरीन, हाई लेवल पे पढ़ाया सर, जो उम्मीद नहीं थी जो आज से लेके उससे बढ़कर पढ़ाया सर। बढ़कर मिला आपको? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, तो फिर प्रैक्टिकल क्लास में आपने प्रैक्टिकल करा? बिल्कुल सर। अभी मैं पूछूं कि दुनिया का कोई सा भी पीसीबी आपके हाथ में रख दो और बोलूंगा कि एसएमडी रजिस्टर चेक करके बताओ, तो आप करके बता सकते कि नहीं? जी सर। खाली तुम बता सकते हो? जी बता सकता हूँ सर। कि पूरी क्लास बता सकती है? पूरी क्लास बता सकती है। पूरी क्लास बता सकती है? यस सर। एमएमसी पहली बार में ही करा मैंने, वन टाइम में रिवॉल्व हुआ सर। अच्छा, इसके पहले कर पाता? पहले नहीं हो पाता एमएमसी आज तक रिवॉल्व नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद शाम को प्रैक्टिकल हुआ, जो सर ने पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल हुआ आपका? यस सर। तो वो प्रैक्टिकल में आपने सारा चीज जो सर ने पढ़ा के पहुंचाया, तो आपने पीसीबी पे ढूंढा कि नहीं ढूंढा? ढूंढा सर, ढूंढा। मैं बता सकता हूँ, इतना नॉलेज हो गया आपने। बता सकते हो? अभी कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट हो, थर्मिस्टर से लेकर कोई भी कंपोनेंट, रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, आज सर ने दो चीज पढ़ाया, रजिस्टर और कैपेसिटर, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं बता सकता हूँ एनी टाइम। आने के बाद मैंने एक्चुअली रिव्यू कुछ देखा नहीं था, लेकिन उनके बताने पे मैं, लेकिन आने के बाद यहाँ पे पहले ही दिन मैं आईसी रिबॉलिंग करना सीख गया। अच्छा। आज की जो पहली क्लास थी सुबह की प्रैक्टिकल, उसमें ही आईसी रिबॉलिंग और वो भी एक ट्रिक बताई थी, उसके थ्रू मैंने किया, और मैंने कम से कम 6-7 बार और जब से कंटिन्यूस करते गए, और मेरा हाथ मैं इससे पहले नहीं किया था बराबर, और उसके बाद आज प्रैक्टिकल के बाद थेरी ये हुई, तो उस पर हम लोग को कंपोनेंट्स के बारे में सिखाया गया। तो कंपोनेंट्स में बहुत सारे रजिस्टर्स और उसके अलग अलग पार्ट्स है, तो वो फुल डिटेल से सिखाया गया हम लोग को। अच्छा, कोई चीज़ स्किप करी हो या शॉर्ट में सिखाया? नहीं सर, पूरा डिटेल में सिखाया। हाँ सर, पूरा डिटेल में सिखाया, और अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा था तो भी 2-3 बार हम लोग को और समझा रहे थे। अच्छा। जैसे रिवाइज कर रहे थे। और अभी 10 बज गए और हम लोग उसके बाद वापस प्रैक्टिकल को आए थे 6 बजे। तो प्रैक्टिकल में हमने जो इसमें रिवीजन किया था, तो हमने इसमें प्रैक्टिकल में हम लोग ने वापस कंपोनेंट्स और रजिस्टर और ये सब कैसे चेक करते हैं, उनका पोजीशन क्या है, उनका ड्रेस, तो वो सब हम लोग ने वापस यहाँ पे किया। तो एक दिन की क्लास में ऐसी कोई चीज़ जो पढ़ाई गई हो आपको समझ में नहीं आई? नहीं सर, मेरे को तो समझ में आ गया, और जो ट्रिक से समझ में आया ना वो पहले नहीं आया, क्योंकि इतने छोटे छोटे सब कंपोनेंट्स में मैं देख के कन्फ्यूज हो रहा, लेकिन जिस तरीके से आपने कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना सीखा है, एक्सेलेंट है सर। अच्छा लगा, क्योंकि मैं उन्हीं की वीडियो देख के यहाँ पर आया हूँ जी, क्योंकि बाहर था, क्योंकि हर रोज उनकी वीडियो देखता था, मेरे दिल में यही हो गया था मैं एशिया टेलीकॉम जाऊँगा जरूर। हाँ जी सर। तो अभी ये बताओ मेरे को, क्लास में क्या नॉलेज मिला आपको? 2 कंपोनेंट की क्लास थी, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, एक क्लास कल है और एक क्लास आज थी, तो आपको किस लेवल का नॉलेज दिया सर ने आपको? सर ने हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, क्योंकि जो बताया है सो 100% जो समझाया वो समझ में आया है। अच्छा जी सर। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि एक दिन हम क्यों नहीं एशिया टेलीकॉम जाए, जब इसी फील्ड में काम करना है हमको, बराबर है, क्यों नहीं एक बार एशिया टेलीकॉम जाए और वहाँ से अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। जब यहाँ हम आए तो हमको ऐसा नहीं लग रहा था शुरू में, लेकिन जब हम क्लास अटेंड किए तो हम सोच भी नहीं सकते कि इतना जल्दी और आज का सुबह के क्लास में एमएमसी का जो रिवॉल्विंग किए, हमको सोच भी नहीं सकते कि इतना जल्दी और ऐसा ट्रिक, ऐसा टेक्निक हमको मिलेगा और इतना जल्दी हम कर पाए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और उसके बाद आपके देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी? यस सर, कंपोनेंट क्लास थी। तो क्लास के बारे में बताइए आप मेरे को कि वो कंपोनेंट की क्लास कैसे रही? कंपोनेंट की क्लास बहुत अच्छा रही, और एशिया टेलीकॉम बहुत हर एक स्टूडेंट को एकदम केयर करता है, हर एक स्टूडेंट को मतलब हर चीज़ पूछता है, समझे कि नहीं समझे, मतलब हर एक डिटेल्स, मतलब बहुत अच्छा तरीका से, मतलब हर एक स्टूडेंट सबको मतलब सिखाता है, एक एक करके पूछता है और पूरे डाउट क्लियर करता है, इसलिए बहुत अच्छा लगा हमको एकदम। और उसके बाद किनके साथ क्लास थी आपकी? देव सर की। देव सर के साथ क्लास थी आपकी। देव सर के साथ में क्लास में आपको क्या लेवल मिला आपको? मेरे को 0 से लेके एकदम हाई लेवल तक। तो रजिस्टर की कोई ऐसी चीज, कोई यूट्यूब वाला ज्ञान या कॉपी नहीं वाला ज्ञान या थ्योरी वाला ज्ञान नहीं? तो भाई खड़े हो जा, उसको बोल, कोई यूट्यूब वाला ज्ञान, कोई थ्योरी वाला ज्ञान इस टाइप का मिला क्या? नहीं। किस लेवल से नॉलेज मिला आपको? एकदम 0 लेवल से मिला। 0 लेवल से एंड तक? एंड तक। इसके ऊपर कुछ है क्या कंपोनेंट की हिस्ट्री में? नहीं नहीं। सर का एनर्जी का लेवल बहुत टॉप का रहता है, और उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो सुपर से ऊपर है, एंडलेस है, यानी 0 से लेके टॉप तक सब पढ़ा देते हैं, यानी जो समझ नहीं सकता उसको भी पूरा तरीके से समझा सकते हैं, समझा के बोलते हैं। अभी मैं भी फ्रेशर हूँ। अच्छा। तो आज सुबह मैंने एमएमसी रिबॉलिंग और आईसी रिबॉलिंग का किया, उसमें 7 बार सर आपके ट्रिक की वजह से मैंने 7 बार एमएमसी रिबॉलिंग किया, वो भी
एक भी बार ये नहीं कर मिस नहीं हुआ, एक भी बॉल मिस नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से ये किया। दूर से आए हो अपने घर को छोड़ के, काफी लोग कह रहे हैं दो ट्रेन बदलना पड़ी क्योंकि जब आप जबलपुर आए होंगे जी सर, तो भाई मेरे इतनी दूर से आसाम से आए, कोई फीस वेस्ट तो नहीं जा रही है? नो सर, कोई वेस्ट नहीं जा रही है। मैंने जो 4 साल से मैं फॉलो कर रहा था एसी टेलीकॉम को, कितने साल से फॉलो कर रहा था? 4 साल से, 4 साल से फॉलो कर रहा था, 4 साल से फॉलो कर रहा था एसी टेलीकॉम को। जो मैंने देखा था वही मुझे आज में यहाँ पे मिला है। तो पहला दिन पहली क्लास सवेरे से आप क्लास में कितनी बजे आए थे? क्लास में मैं क्लास में 8 बजे आया था। 8 बजे आए थे क्लास, एकदम अमेजिंग रही। क्या तरीका है देव सर का पढ़ाने का? देव सर का पढ़ाने का तरीका एकदम लाजवाब है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को एकदम सिंपल वे में बताते हैं सर। तो डेप्थ में गए थे? एकदम डेप्थ, एक रजिस्टर को डेप्थ में समझा आपने एकदम, क्या काम होता है क्या काम नहीं होता उसका सारा सारा मालूम है आपको? सारा। कोई सा ऐसा टाइप रजिस्टर का कि जो तुम्हारे दिमाग में नहीं हो, तुम्हारी रीडिंग में नहीं हो, तुमको पता नहीं हो, ऐसा कोई टाइप है रजिस्टर का? ऑल टाइप रजिस्टर, पांच टाइप का, पूरा का पूरा रजिस्टर तुम्हारे दिमाग में? दिमाग में। चलिए, उसके बाद फिर क्या हुआ आपका? उसके बाद लगभग 5 बजे क्लास खत्म हुआ दीप सर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंपोनेंट्स का प्रैक्टिकल क्लास चला, ठीक है, लगभग 3-4 घंटे। अभी लगभग 9:30 बज रहा है, ठीक है, रात के। अभी भी हम लोग यहीं पे हैं। फिर मैं क्लास में देव सर से मिला और तीन साल से मैं उसकी फॉलोअर हूँ और उनसे मिला, उनकी क्लास बहुत बढ़िया है, अच्छी है। तरीका बहुत डीप लेवल पे है और बट सिंपल सा है। मैं अपनी भाषा में बोलूँगा, केरलത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി വരുന്നത്, അതും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ഷിഹാസ്, ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാണ്, സർവീസ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട്, ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്ര ഡീപ്പ് നെയ് ചെൽത്ത വാപ്പേ ഇത്ര ഡീപ്പ് നെയ് സിക്താ ലക്കിൻ യഹാ പേ ഡീപ്പ് ലെവൽക്ക് ഈ സാരി ചീസേന ഓ ബഹി സിമ്പിൾ സാ റിവേഴ്സ് കർക്കേ 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 സർ ലോകനെ ബതാദിയ ഓർ ദേവ് സാർ ഓർ ബാക്കി സബ് സാർ സർ ലോകന സാരി സ്റ്റുഡൻസ് കോ കിസി നാ കിസി സേ ഹെൽപ് കർത്തേ ഹൈ സാരി ബഹുത് ഈസി തരീക്കെ സേ പഠാത്തേ ഹൈ हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी।
क्लास में बताएंगे क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट वाली कहानी है, हम कैपेसिटर फाउंड कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर, देखिए इधर भी बीप नहीं आया, इधर भी बीप नहीं आया, इधर भी बीप नहीं आया, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, मतलब सीरीज। इस कैपेसिटर को हमको किसी इसी आईसी के पास या किसी भी दूसरे साइड में रिंगर आईसी के पास के कैपेसिटर से ही बदलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सोचो कि मैं कोई सा भी कहीं का भी कैपेसिटर साइज का उठा के यहाँ लगा दूं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली उसकी वैल्यू मैटर करती है सीरीज कंडीशन में। इसलिए हमेशा सीरीज में कहां से लगा कर बल्ब निकाले जाते हैं, और पैरेलल में उन कैपेसिटर को चेंज किया जाता है जिसके ऊपर क्या लिखे होते हैं, वोल्टेज, और जिस पर कुछ भी नहीं लिखा तो उनको कहीं से भी उठाकर क्या कर सकते हैं, फोटो खींचो उसका। ये जैसे आप देख सकते हैं हमारी 28 जुलाई की बैच है, ये है हमारी 28 जुलाई की बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है? हां सर। कौन कौन? यस सर। कौन कौन लाइव है बताओ? यस सर। सब लाइव है? यस सर। क्या क्लास थी आज हमारी? क्लास कंपोनेंट और एमएमसी। किसकी? कंपोनेंट। सुबह काय से शुरुआत हुई आपकी? सवेरे सवेरे आईसी रिबॉलिंग की क्लास थी सुबह में। आईसी रिबॉलिंग कौन सी आईसी की? आपकी जो आपकी प्रॉपर स्टेंसिल में लग जाती थी उसकी क्लास थी आपकी, एमएमसी की क्लास थी। कौन कौन ने एमएमसी रिबॉल किया है इसके अंदर से? सबने किया। सब ने किया सर। कितनी बार किया आपने? पांच पांच बार। कितनी बार किया? पांच पांच। कितनी बार किया? पांच पांच। कितनी बार किया? पांच पांच। कितनी इधर? पांच पांच। पांच पांच। यस सर। नो बार किया सर? सर आठ बार करी। आठ बार। आठ बार किया? हाँ सर। इसके पहले कर पाते थे क्या? नो सर। इस तरीके से कर पाते थे क्या? नो सर। पता ही नहीं था। फ्रेशर कौन है इसके अंदर से? प्रॉपर तरीका से सर। फ्रेशर कौन कौन है ये देख सकते हैं आप, इनके हाथ खड़े हैं, ये फ्रेशर लोग हैं यहाँ पर आए और पहली बार में प्रॉपर तरीके से आप इन्होंने काम किया। तो भाई ऐसा कैसा संभव है 3 घंटे की क्लास में सबने रिवॉल्व कर लिया? हेलो यस सर। कैसा संभव है ये? ट्रिक से बताया गया सर। यस सर। हमारी पूरी इंडस्ट्री ट्रिक पे चल रही है। यस सर। मेहनत से काम नहीं होता, ट्रिक से काम होता है। आप ट्रिक को फॉलो करेंगे बिल्कुल आपका काम बनेगा। आज आपने पावर आईसी रिवॉल्व करी है, कल सीपीयू रिवॉल्व करेंगे और आईफोन का सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, डबल टेकर का सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। यस सर। गारंटी है ये? यस सर। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस सर। कर पाएंगे? यस सर। फिर दोपहर में 12 बजे किसके साथ, 11:30 बजे किसके साथ क्लास थी आपकी? खाने के लिए कितनी देर का ब्रेक? 20 मिनट। 20 मिनट का? यस सर। जाती नहीं हो रही आपके साथ? नो सर। है ना, 20 मिनट का खाने का ब्रेक दिया आपको। यस। उसके बाद फिर कोई ब्रेक मिला है क्या आपको? नो सर। उसके बाद कोई ब्रेक मिला? नो सर। डायरेक्ट क्लास चली है? यस सर। की क्लास कहां तक चली आपके साथ? 6 घंटे क्लास चली आपकी। और फिर देव सर की क्लास के बाद ये बताइए आपका प्रैक्टिकल कितने समय चला? 7 घंटे। 7 घंटे इनफ होते हैं प्रैक्टिकल? यस सर। वो एशिया टेलीकॉम बोलता है कि 12 घंटे हम क्लास देते तो देता है कि नहीं देता? देता है। आपका दिया सर। पक्की बात है? एकदम पक्की बात। सही बात है? यस सर। कोई बिरयानी खिला के तो नहीं बिठाया तुमको? यस सर। फीस दी है ना तुमने? यस सर। फीस दे के बैठे हो ना? यस सर। जबरदस्ती तो नहीं रिव्यू ले रहे हो ना? यस सर। ये क्लास जो शुरू से एंड तक किस किस को समझ में आई, एक एक चीज, एक एक चीज सबका क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। जी नाम बताइए अपना। शारिक अली। क्या नाम है आपका? शारिक अली। कहाँ से हो आप? सर हम अपने अलीराजपुर से। मध्य प्रदेश अलीराजपुर से। क्या तो सवेरे किया क्लास थी आपकी? सवेरे सर हमारी एमएमसी क्लास थी जो आईसी रिवॉल्व करने का था। अच्छा, तो आपने रिवॉल्व किया? यस सर। कितनी बार रिवॉल्व किया? 8 बार सर। 8 बार रिवॉल्व किया? जी सर। तो इसके पहले कर पाते थे आप? नो सर। चलिए उसके बाद क्या क्लास थी आपकी? उसके बाद हमारी अपने इसकी कंपोनेंट की थी। किनके साथ क्लास थी? देव सर के साथ। किस प्रकार का नॉलेज मिला आपको? सर काफी अच्छा मिला है।
मतलब किस लेवल का जो सोच के आए, जो वो लेवल मिला उससे ज्यादा सर। उनके ही वीडियो देख के आए आप यहाँ पे एशिया टेलीकॉम में? जी सर। उनको ही देख के आए? जी सर। है ना? जी सर। वो यहाँ के सीईओ भी है और साथ में मालिक भी है और टीचर भी है। यस सर। तो कैसे टीचर है देव सर आपके? काफी अच्छे सर, बहुत अच्छे। मतलब आपको जीरो लेवल से समझाया? जी सर। आपको ये माना कि आपको कुछ भी नहीं आता उस लेवल से बताया? कुछ भी नहीं आता। तो आपको दो कंपोनेंट बताए, दो कंपोनेंट आपके समझ में आए कि नहीं आए? जी। और दो कंपोनेंट की क्लास कितने, 6 घंटे चली आप? 6 घंटे। 6 घंटे क्लास चली, तो 6 घंटे पे क्या लेवल था उनका समझाने का? हाई लेवल था सर उनका। मतलब एक रजिस्टर की में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, कहां से दिक्कत आ सकती है, एक रजिस्टर की भूमिका क्या होती है, आपको सारा क्लियर हुआ? यस सर। एक एक चीज का कैलकुलेशन बताया रजिस्टर का, क्या प्रकार है, क्या रूप है, कितने प्रकार का होता है, क्या काम में आता है, उसकी टेस्टिंग क्या होती है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, गर्म कैसे चेक होता है, ठंडा कैसे चेक होता है, ये बताओ मेरे को कि थर्मिस्टर कौन कौन चेक कर सकता है पीसीबी में? यस सर। यस सर। हम सब सब कर सकते हैं? यस सर। तो ट्रिक हाई है कि लो है? हाई है। हाई है सर। हाई। और समझने का तरीका कैसा है? कितनी देर में आप निकाल लोगे? कितनी देर में निकाल लोगे? 2 मिनट। 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा आपका? यस सर। तो ये ट्रिक सिर्फ तुम्हारे पास है और एशिया टेलीकॉम के पास है और एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट के पास में, इसको ओपन नहीं करना है। yes, जो तरीका आपके पास है, आप फीस देके बैठे हो ना? yes, yes, आपको फ्री में नॉलेज मिला क्या ये? no, sir. Yes, sir. आप पैसा देके आए हो ना? yes, तो ये आपके पास रखनी है। आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर क्लास बताया इसका डिस्कस नहीं करना है। yes, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या क्लास थी आपकी देव सर के बाद? देव सर के बाद वापस से सर ये प्रैक्टिकल कर। तो प्रैक्टिकल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। मिलना चाहिए? जी सर। जरूरी है? जरूरी है सर। सारी चीजें समझ में आई आपके? यस सर। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। गुलाम मोहम्मद सर। गुलाम मोहम्मद कहाँ से भाई? अलीराजपुर मध्य प्रदेश। अलीराजपुर मध्य प्रदेश, दोनों एक ही जगह से? जी सर। अच्छा, तो क्या क्लास थी आज हमारी? कंपोनेंट की सर। सवेरे? जी सर। सवेरे कौन सी क्लास? सुबह सुबह एएमएमसी। रिवोल्व किया था? जी सर। तो रिवॉल्व डन हुआ था आपका? 5 मरतबा किया सर। 5 मरतबा? जी सर। तो समझ के क्या कि तुक्के में हो गया? नहीं सर, समझ के। समझ के क्या जी? अभी दुनिया की कोई सी भी एमएमसी होगी आप स्टेंसिल से रिवॉल्व कर लेंगे? कर लूंगा सर। अच्छा, उसके बाद दोपहर में किसके साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ। देव सर के साथ, क्या लेवल से पढ़ाया सर ने आपको? बहुत बेहतरीन पढ़ाया सर। क्या बोलेंगे सर के लिए अगर एक शब्द में पूछना चाहूँ तो? मैं बहुत बेहतरीन, हाई लेवल पे पढ़ाया सर। जो उम्मीद नहीं थी जो आज से लेके आया उससे बढ़कर पढ़ाया सर। बढ़कर मिला आपको? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। तो फिर प्रैक्टिकल क्लास में आपने प्रैक्टिकल करा? बिल्कुल सर। अभी मैं पूछूं कि दुनिया का कोई सा भी पीसीबी आपके हाथ में रख दो और बोलूंगा कि एसएमडी रजिस्टर चेक करके बताओ, तो आप करके बता सकते कि नहीं? जी सर। खाली तुम बता सकते हो? जी बता सकता हूँ सर। कि पूरी क्लास बता सकती है? पूरी क्लास बता सकती है। पूरी क्लास बता सकती है? यस सर। एसएमडी रजिस्टर बता सकते हैं? यस सर। एसएमडी कैपेसिटर बता सकते हैं? यस सर। कैपेसिटर की ट्रिक कैसी लगी आपको, कि मतलब उसको डायग्नोस करने की ट्रिक कैसी लगी? बहुत बेस्ट सर, बहुत बेस्ट। इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं। एंडलेस नॉलेज मिला आपको? यस सर। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए। मैं विशाल सैनी, यूपी से। यूपी से? यूपी से। विशाल, ये बताओ मेरे को कि आज क्या क्लास थी आपको, कैसी लगी और आपने क्या किया क्लास में? सुबह में ईएमएमसी रिवॉल्विंग। अच्छा, कितनी बार किया आपने रिवॉल्विंग? मैं 5 बार किया। 5 बार किया? तो झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, और पहले भी किया था। पहले से मैं 7-8 साल काम करता था, मगर इतना ज्यादा सफाई नहीं मिलता था। अच्छा। जो यहाँ पर पहली बार ट्रिक से किया तो सक्सेसफुल हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर 5 बार किया। अच्छा। हाथ बैठाने के लिए। अच्छा। बेस्ट तरीका था। तो तरीका कैसा लगा आपको? मस्त लगा। ट्रिक कैसी लगी? एकदम एकदम। और उसके बाद किनके साथ क्लास थी आपकी? देव सर की। देव सर के साथ क्लास थी आपकी। देव सर के साथ में क्लास में आपको क्या लेवल मिला आपको? मेरे को 0 से लेकर एकदम हाई लेवल तक। तो रजिस्टर की कोई ऐसी चीज, कोई YouTube वाला ज्ञान या कॉपी नहीं, नहीं वाला ज्ञान या थ्योरी वाला ज्ञान नहीं? तो भाई खड़े हो जा, उसको बोल। कोई YouTube वाला ज्ञान, कोई थ्योरी वाला ज्ञान इस टाइप का मिला क्या? नहीं। किस लेवल से नॉलेज मिला आपको? एकदम 0 लेवल से मिला। 0 लेवल से एंड तक? एंड तक। इसके ऊपर कुछ है क्या कंपोनेंट की हिस्ट्री में? नहीं नहीं। तो एक कंपोनेंट का काम क्या होता है, छोटे से रजिस्टर का, 0 अंक रजिस्टर का काम क्या होता है, ये आज मालूम पड़ा आपको? जी। कितना इंपॉर्टेंस है रजिस्टर का? बहुत ज्यादा। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कोल्ड टेस्टिंग क्या होती है, हार्ड टेस्टिंग क्या होती है, समझ में आया आपको? जी जी। चलिए ठीक है। आज पहला दिन है। आज पहला दिन है जिसमें? आज पहला दिन है। आज पहले दिन में आपको इतनी चीजें समझ में आई? जी जी। है ना, लोग 10-10 दिन तक कंपोनेंट पढ़ाते हैं। कितने दिन तक? 10-10 दिन। 10-10 दिन, उसके बाद भी सिर पे से जाता है। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं? एकदम 100% 100% आया। उसका प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? किया। आपकी डायरी पे लिखा हुआ है, कॉपी पे लिखा हुआ है, बता सकते हो आप? जी बताइए। कॉपी खोली आपकी? डायरी पे फोटो खींचे हैं। अच्छा। अभी रूम पे जाएंगे तो लिखेंगे। ठीक है। तो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? जी क्लियर है। क्लियर। लो वैल्यू, हाई वैल्यू, कैपेसिटर क्या टाइप, सारा क्लियर है आपका? जी। चलिए इधर आइए।
हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम आसिफ मोलानी है, मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ। आसिफ, पूना से मध्य प्रदेश जबलपुर, इतना लंबा सफर, पूना आजू बाजू कई सर, आपको इंस्टीट्यूट मिल सकते थे, आप वहाँ जा सकते थे, फिर एशिया टेलीकॉम क्यों? नहीं सर, एशिया टेलीकॉम में जो चाहिए था वो सीखने के लिए आया था, वो मिला मेरे को। और मैंने इनका रिव्यू 4 साल से रिव्यू ले रहा है, सर का वीडियो बहुत सारे देखे, उससे बहुत सारा नॉलेज मिला, इसलिए यहाँ पे आए। तो सर को जो वीडियो में देखते आए थे तो कोई भोगाली तो नहीं थी? आप सर के साथ तुमने लाइव क्लास लेने का, आपको उनके सामने जिनको एज ए मत, अगर इस फील्ड में अगर आपका दिलचस्पी है तो आप उनको हीरो मानते थे, राइट? यस सर। है ना, हीरो दो प्रकार के होते हैं, एक जीवन का हीरो होता है, एक फिल्मों का हीरो होता है। वो आपके जीवन का हीरो था क्योंकि आपके जीवन में मोबाइल रिपेयरिंग लिखा हुआ है ना, उनको आपने देखा था, इतने साल से फॉलो कर रहे थे, जब आए तो आपको क्या फील हुआ? बहुत भारी अच्छा लगा उनसे मिलके, और उनसे सीख के भी बहुत अच्छा लगा। एनर्जी का लेवल क्या रहता है सर का? एनर्जी का लेवल बहुत टॉप का रहता है, और उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो सुपर से ऊपर है, एंडलेस है, यानी जीरो से लेके टॉप तक सब पढ़ा देते हैं, यानी जो समझ नहीं सकता उसको भी पूरा तरीके से समझा सकते, समझा के बोलते हैं। अभी मैं भी फ्रेशर हूँ। अच्छा, तो आज सुबह मैंने ईएमसी रिबॉलिंग और आईसी रिबॉलिंग का किया, उसमें 7 बार सर आपके ट्रिक की वजह से मैंने 7 बार ईएमसी रिबॉलिंग किया, वो भी एक भी बार ये नहीं कर मिस नहीं हुआ, एक भी बॉल मिस नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से ये किया जी। सर ने जो ट्रिक बताया था उसके इससे बराबर है। और उसके साथ दोपहर में आपकी क्लास थी कंपोनेंट की, 2 कंपोनेंट बताया आपको, बाकी कंपोनेंट आपकी क्लास कल है, कंपोनेंट 1 की क्लास आज थी। तो देव सर के साथ अभी कंपोनेंट का नजरिया बदला कि नहीं आपका? हाँ सर, मेरा मदरबोर्ड का देखने का नजरिया बदल गया, कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बराबर कर सकते हो? यस सर। अगर 100 कैपेसिटर के बीच में एक रजिस्टर अगर टिमटी मार रहा है तो पहचानोगे कि नहीं? यस सर। वो चीज है, बताना नहीं है यूट्यूब पे, मतलब कि क्या टेक्निक है हमारे पास? नहीं सर, वो टेक्निक है कि नहीं तुम्हारे? हाई सर, हाई। 25 कैपेसिटर के बीच में एक छोटा सा रजिस्टर लगा हुआ है तो पहचान पाओगे कि नहीं? यस सर, पहचान पाओगे। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? यस सर। है ना, लो वैल्यू है, हाई वैल्यू है, है ना? यस। क्या है, और कैलकुलेट करना भी आती है आपको वैल्यू? यस सर। क्या क्या कैलकुलेट करके इसकी जगह ये लगा सकते हो? यस सर। वो नॉलेज भी आपको? हाँ सर। चलिए ठीक है। और अभी प्रैक्टिकल क्लास में यही किया आपने? हाँ सर, वही प्रैक्टिकल क्लास में वही रिपीट किया। कैसा लगा आपको पहला दिन? बहुत अच्छा लगा सर, और इतना इतना मस्त लगा यहाँ पे कि ये जो टीचर नॉलेज देते हैं वो, और देव सर का जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत बढ़िया है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी। मेरा नाम राज शर्मा है, मैं आसाम से आया हूँ। राज, आसाम से आया, बहुत दूर से आया हो जी सर, अपने घर को छोड़ के। काफी लोग कह रहे हैं दो ट्रेन बदलना पड़ी क्योंकि जब आप जबलपुर आए होंगे जी सर। तो भाई मेरे, इतनी दूर से आसाम से आया, कोई फीस वेस्ट तो नहीं जा रही है? नो सर, कोई वेस्ट नहीं जा रही है। मैंने जो 4 साल से मैं फॉलो कर रहा था एशिया टेलीकॉम को। कितने साल से फॉलो? 4 साल से। 4 साल से फॉलो कर रहे थे? 4 साल से फॉलो कर रहा था एशिया टेलीकॉम को। जो मैंने देखा था वही मुझे आज में यहाँ पे मिला है। तो पहला दिन पहली क्लास सवेरे से आप क्लास में कितनी बजे आए थे? क्लास में मैं क्लास में 8 बजे आया था। 8 बजे आए थे, अभी 9 बज रहा है। 10 अभी रात के 9 बज रहे हैं अभी आपके, है ना? 9:15 बज रहे हैं आपके। उसमें खाली 10 बज जाएंगे, उसमें खाली 20 मिनट का ब्रेक मिला। 20 मिनट का ब्रेक दिया आपको। तो बताओ मेरी, आपकी जर्नी कैसी रही? सवेरे आपने क्या किया क्लास में? रिबॉलिंग किया है। अच्छा, एमएमसी का रिबॉलिंग किया है। अगर मैं पूछूं तो कितनी बार करा? तो आप क्या? 8 बार किया है। 8 बार किया है। 8 बार किया तो तुक्के में लगी कि प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर तरीके से। इसके पहले कर पाता थे आप? नहीं, कभी नहीं किया था। कभी नहीं किया था जी। फर्स्ट टाइम किया आपने? फर्स्ट टाइम किया। चलिए, उसके बाद आपकी कंपोनेंट की क्लास किनके साथ थी? देव सर के साथ। देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी। तो कंपोनेंट की क्लास में क्या लेवल लगा कंपोनेंट का पढ़ने का, तरीका क्या लगा आपको? इजीली तरीका से पढ़ाते थे। हल्के फुल्के में पढ़ा दिया कि डेप्थ में पढ़ाया? डेप्थ में पढ़ाया, और हल्के से पढ़ाया, जैसे कि ताकि हम लोग को समझ में आए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जितना बार पूछेंगे उतना बार हमको वो रिवाइज करके बोल रहे थे। बोलने की जरूरत पड़ती है सर के सामने कि सर ये इसको रिवाइज करो? नहीं नहीं, जरूरत पड़ी क्या? कभी भी जरूरत पड़ी? नहीं, कभी पड़ी नहीं। चलिए ठीक है। तो और फिर आपने उसकी जब उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लास थी, वो प्रैक्टिकल क्लास में आपने क्या किया? प्रैक्टिकल क्लास में हमने आज में रेजिस्टेंस रिबॉलिंग
टेस्टिंग किया कैपेसिटर। तो रजिस्टर के कोई टाइप छोड़ा है क्या? थर्मिस्टर को पीसीबी में ढूंढा आपने? जी। थर्मिस्टर को भी ढूंढा? जी जी। ओल्ड रजिस्टर को भी ढूंढा? जी। जीरो उसके रजिस्टर को भी ढूंढा? फ्यूज रजिस्टर को भी ढूंढा? जी। नॉर्मल रजिस्टर को भी ढूंढा? जी। लो वैल्यू हाई वैल्यू को भी ढूंढा? जी। तो थर्मिस्टर ढूंढना तुम्हारे लिए बड़ी बात है कि आसान है? आसान है। अभी इजी है? इजी है। कितना टाइम लगेगा अगर मैं बोलूं? दो मिनट। और कहां कहां मिलेगा ये भी मालूम है आपको? जी जी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं कर लूं? मैं बोले हां जी। बताइए। मेरा नाम रवि प्रसाद शर्मा है। रवि थोड़ा आवाज में थोड़ा लाउडली बोलो। मेरा नाम रवि प्रसाद शर्मा है, मैं नेपाल से। हाँ जी, नेपाल से। तो रवि पहला दिन पहली क्लास नेपाल से स्टेट मतलब आप वो चेंज करके आए हैं, क्या बोल सकते हैं, देश चेंज करके आए हैं, है ना? नेपाल देश से आप भारत आए हैं, तो नेपाल देश से भारत आए, एशिया टेलीकॉम को देख के आए हैं, सब कुछ सुन के आए हैं, तो वो वैसा वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उससे ज्यादा मिल रहा है। उससे ज्यादा मिल रहा है? उससे ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ के टीचर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सवेरे क्लास में क्या किया आपने? सवेरे आए लगभग 7:45 बजे आए। ठीक है, 8:45 को आया, 7:45 को आया आप यहाँ। शुरू में EMMC रिवॉल्विंग कितनी बार करी मेरे भाई? 5 बार किया। 5 बार किया? यस सर। कोई तुक्के में करा कि प्रॉपर तरीके से करा? इसके पहले कर पाते थे आप? नो सर। अच्छा, तो आपको ट्रिक सही मिली? ट्रिक एकदम अच्छा था। मस्त है, बिल्कुल समझ में आता है? बिल्कुल सर। लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो नहीं आता? नो सर। ऐसा कि मतलब तुम नेपाली जानते हो, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आया? नहीं सर, यहाँ टीचर यहाँ पे हिंदी में पढ़ा रहे हैं, समझ में तो आता है? समझ में आता है। अच्छा सर। अच्छा, फिर दोपहर में किनके साथ क्लास थी आपकी? दोपहर में देव सर के साथ। देव सर के साथ क्लास थी आपकी? जी सर। अब कैसी रही क्लास आपकी? क्लास एकदम अमेजिंग रही। क्या तरीका है देव सर का पढ़ाने का? देव सर का पढ़ाने का तरीका एकदम लाजवाब है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को एकदम सिंपल वे में बताते हैं सर। तो डेप्थ में गए थे? एकदम डेप्थ में। एक रजिस्टर को डेप्थ में समझा आपने? एकदम। क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता, उसका सारा सारा मालूम है आपको? सारा। कोई सा ऐसा टाइप रजिस्टर का कि जो तुम्हारे दिमाग में नहीं हो, तुम्हारी रीडिंग में नहीं हो, तुमको पता नहीं हो, ऐसा कोई टाइप है रजिस्टर का? ऑल टाइप रजिस्टर? पांच टाइप का। पूरा का पूरा रजिस्टर तुम्हारे दिमाग में? दिमाग में। चलिए, उसके बाद फिर क्या हुआ आपका? उसके बाद लगभग 5 बजे क्लास खत्म हुआ दीप सर का। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ कंपोनेंट्स का प्रैक्टिकल क्लास चला। ठीक है। लगभग 3-4 घंटे। अभी लगभग 9:30 बज रहा है। ठीक है, रात के। हाँ, अभी भी हम लोग यहीं पे हैं। अच्छा, तो कोई भोकाली तो नहीं मारते ना एशिया टेलीकॉम की? मतलब जबरदस्ती बोलता हूँ कि 12 घंटे की क्लास है और फिर रवाना कर देता 4 घंटे में? कोई 4 घंटे में पढ़ा के रवाना कर देता हूँ? नो नो, कोई भोकाली नहीं मारता। कोई भोकाली नहीं है, बाकी में रियलिटी है यहाँ पे? एकदम रियलिटी। तो जो स्टूडेंट का रिव्यू तुमने देखा होगा, तो तुमको ऐसा लगता होगा कि सर तीसरे दिन सीपीयू मतलब तीसरे दिन पावर लगा दी, चौथे दिन सीपीयू लगा दिया, तो तुम भी डरते होंगे ना, बोले कि यार ये तो क्या है, ये मतलब ऐसा कैसा संभव है? वही हमको भी लगा था, लेकिन मोटिवेट हुआ था हम वीडियो देख के। अभी वीडियो देख रहा है लगभग 2-3 साल से देख रहा हूँ वीडियो। हाँ, वीडियो देख के लगा। और अभी अभी क्या बोलेंगे आप? अभी तो सर, जो वीडियो में देखा था वो सस्ता कि नहीं था? नहीं, वो सस्ता था, एकदम सस्ता, एकदम सस्ता, एकदम। चलिए ठीक है, तो ये बताइए मेरे को, अगर एक शब्द में बोलना चाहूँ एशिया टेलीकॉम के बारे में तो क्या बोलेंगे आप? एशिया टेलीकॉम के बारे में एक शब्द बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे कि एकदम लाजवाब है, सिंपल वे में सिखाते हैं, एकदम हार्ड से हार्ड चीज़ों को आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए ठीक है, नेपाल से कोई आ सकता है? आ सकता है सर, एकदम आ सकता है। ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी, मेरा नाम रवि चौरसिया है। रवि चौरसिया कहाँ से हो भाई? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से? जी सर। रवि बेसिकली क्या करते क्या थे तुम इसके पहले यहाँ? सर मैं बिजनेसमैन हूँ, 4 साल से अपना मोबाइल शॉप चला रहा हूँ। जी। और सिर्फ मैंने रिप्लेसमेंट किया था, रिपेयर नहीं किया था। हालांकि मेरे मोबाइल दुकान रिपेयर जरूर था, लेकिन मैंने एक्चुअल में कभी महसूस नहीं किया कि मैं कभी रिपेयर किया हूँ। अच्छा, क्योंकि तो जो ये माइक्रोस्कोप होता है हमारा, ये माइक्रोस्कोप पे पहली बार टच किया सर? बहुत ज़्यादा मतलब मैं नर्वस था कहना चाहिए एक तरीके से। बहुत सारी मशीनें मैंने भी रखी हैं, उसी मशीन और जो भी चीज़ें जो भी होती है, लेकिन इसको मैंने कभी टच नहीं किया था। टच नहीं किया था। और आज बहुत स्ट्रगल करूंगा मेरे को ऐसा लग रहा था, और शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कि कल से मतलब बहुत मुश्किल जाएगा मेरे को, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर मैं इतना कंफर्टेबल हुआ कि जब शाम की प्रैक्टिकल क्लास हुई तो मैंने एक बार भी सर को नहीं बोला कि सर जूम कर दो, चाहे सेट कर दो। क्या होता है, ये एक्चुअल लेंस का काम होता है, वो लेंस को आंख में बिठाने में थोड़ा सा समय लगता है, पर बाकी अब कंफर्टेबल हो गए कि नहीं हो गए? उसके मतलब आपकी आंखों की रोशनी बढ़ गई, समझ में आ रही बात आपकी? उसके सहारे सर मैंने रजिस्टर ढूंढा, उसके सारे टाइप के जितने रजिस्टर होते सारे ढूंढे, कंपोनेंट्स ढूंढे, डायोड जो कल होने वाला है उसके बारे से भी जानकारी लिया, सारा बोर्ड मैंने देखा, ऐसा लगा शहर देख रहा हूँ, इतने पास से मदरबोर्ड पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा था। चलिए ठीक है, वो भी जानकारी के साथ। तो ये बताइए सुबह के क्लास में क्या किया आपने?
सर सुबह थ्योरेटिकल क्लास से पहले हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास था जिसमें कि मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि आते के साथ हमारा प्रैक्टिकल था जिसमें 10 मिनट का हमको ट्रिक बताया गया जो कि बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग था जिसमें EMC IC हम लोग को रिबॉलिंग करना था, रिबॉलिंग सुना था बस और यूट्यूब का खैर मैंने कभी सहारा लिया नहीं, मैं यहाँ पे आपके एक्स स्टूडेंट के रेफरेंस के थ्रू आया बराबर ठीक है और उसको मैंने बहुत सारे काम दिए, उन्होंने 99% काम मेरे को ओके करके दिया, उसके बाद मेरा भरोसा बना तो मैं अपनी शॉप 25 दिन एक महीने के लिए छोड़कर यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है काम और पैसे कमाए हैं आपके एक्स स्टूडेंट्स के थ्रू। अच्छा तो आगे उम्मीद करता हूँ कि मैं भी अपने हाथ से आगे अपने आप को बढ़ाऊँ। तो आज पहला दिन, पहले दिन के बारे में क्या बोलेंगे आप? आप देव सर के साथ क्लास थी आपकी, थोड़ा सा टफ था कंपोनेंट की क्लास आपकी, बहुत साल बाद स्कूल में वापस आना थोड़ा टफ था। अच्छा नहीं तो कंपोनेंट की क्लास थी आपकी देव सर के साथ, तो आपको कंपोनेंट का कोई चीज जो समझ में नहीं आई? पांचवी वाली क्लास के याद आ गई, एकदम मजा आ गया, एकदम बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं ऐसा लगा मुझे तो। और तुम फेल नहीं हो सकते ये भरोसा सर दिलाए, चाहे तुम्हारी टांगी क्यों ना तोड़ना पड़ जाए, मतलब मजे आ गए, एकदम नींद खुल गई, एक महीने तो नहीं आने वाले। तो एक चीज है सर कि इतना केयर नहीं, इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो एक लाइन बोलूंगा सर, इतना केयर पैसे लेने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे मोबाइल फीस हो, चाहे IAS हो, क्यों हो, किसी भी चीज के हो, फीस लेने के बाद इतना केयर किसी एक बार क्लैपिंग कर दो भाई, इन्होंने रियलाइज किया है, एक बार इनके लिए क्लैपिंग कर दो। और मैं चाहूँगा कि ऐसे डांटते रहें, और क्योंकि उनके डांट एक फिक्र की याद दिलाती है कि घर से हम इतने दूर आए हैं, वो याद दिला रहे हैं बराबर कि तुम क्यों आए हो। तो थैंक यू सर, मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये चीज़ सबके साथ हो और सबके साथ होना चाहिए। देखो भाई यहाँ हम पढ़ने आए हैं, बहुत अपना दुकान बंद करके आए हैं, सब चीज को बंद करके आए हैं और यहाँ हमारा फोकस केवल पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर आपका फोकस भटकेगा तो हम भटकने नहीं देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच टेलीकॉम, और मुझे उम्मीद है कि आगे का जब मैं 10 दिन 15 दिन बाद रिव्यू दूंगा, सर से रिक्वेस्ट है मेरा लाइव जरूर लें कि मैं बता सकूं कि मतलब 15 दिन में तो यहाँ मजे ही आ गए, मतलब ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट। आइए जी। सर मेरा नाम श्याम सुंदर मंडल, हम नेपाल से आए। हाँ जी, नेपाल से इतने दूर इंडिया आए हैं आप, इंडिया में जबलपुर आए, छोटी सी जगह में आए, चाहते तो दिल्ली भी जा सकते थे, तो दिल्ली में वो मिलता क्या जो यहाँ मिल रहा है आपको? सर्वप्रथम ये बोलना चाहते हैं कि एशिया टेलीकॉम में मतलब 2-3 साल से वीडियो सब देख रहे हैं जी, और स्टूडेंट का जो रिव्यू है वो बहुत हमको अच्छा लगा, तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि एक दिन हम क्यों नहीं एशिया टेलीकॉम जाए, जब इसी फील्ड में काम करना है हमको बराबर, क्यों नहीं एक बार एशिया टेलीकॉम जाए और वहाँ से अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। जब यहाँ हम आए तो हमको ऐसा नहीं लग रहा था शुरू में, लेकिन जब हम क्लास अटेंड किए तो हम सोच भी नहीं सकते कि इतना जल्दी, और आज का सुबह के क्लास में EMC का जो रिवॉल्विंग किए, हमको सोच भी नहीं सकते कि इतना जल्दी और ऐसा ट्रिक, ऐसा टेक्निक हमको मिलेगा और इतना जल्दी हम कर पाए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आपके देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी आपकी? यस सर, कंपोनेंट की क्लास थी। तो क्लास के बारे में बताइए आप मेरे को कि वो कंपोनेंट की क्लास कैसे रही? कंपोनेंट की क्लास बहुत अच्छा रही, और एशिया टेलीकॉम बहुत हर एक स्टूडेंट को एकदम केयर करता है, हर एक स्टूडेंट को मतलब हर चीज पूछता है, समझे कि नहीं समझे, मतलब हर एक डिटेल्स मतलब बहुत अच्छा तरीका से मतलब हर एक स्टूडेंट सबको मतलब सिखाता है, एक एक करके पूछता है और पूरे डाउट क्लियर करता है, इसलिए बहुत अच्छा लगा हमको। तो एक रजिस्टर और आपकी कैपेसिटर की क्लास थी, रजिस्टर के बहुत टाइप आते हैं सर ने आपको बताया, तो आपको डीप में समझ में आया कि नहीं? पूरा डीप में एकदम, रजिस्टर कैपेसिटर जितने आज हम कंपोनेंट पढ़े पूरा एकदम डीप लेवल में, एकदम इजी तरीका से, इजी ट्रिक से। और प्रैक्टिकल किया आपने? एकदम प्रैक्टिकल किया, 4-5 घंटा बैठ के लैब में प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल किया, एकदम संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट, एकदम फुल्ली संतुष्ट। चलिए थोड़ी अंग्रेजी भी आप? चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, सवेरे 8 बजे आप क्लास में आए, ठीक है? सवेरे 8 बजे आपकी क्लास थी, 8 से जब आपकी क्लास चली, आपने सवेरे 8 बजे क्या किया? हम कंपोनेंट्स को सब सीख लिया, और पहले हम EMMC का नहीं किया था, हम बिजनेस में था, जीवन में पहली बार हम EMMC रिवॉल्व किया है,
I'm satisfied. फिर मैं क्लास में देव सर से मिला और तीन साल से मैं उसकी फॉलोअर हूँ और उनसे मिला. उनकी क्लास बहुत बढ़िया है, अच्छी है. तरीका बहुत डीप लेवल पे है और बट सिंपल सा है. मैं अपनी भाषा में बोल केरल दिल ना ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി വരുന്നത്. അതും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ഷിഹാസ്. ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. സർവീസ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്ര ഡീപ്പ് നെയ് ചെൽത്ത വാപ്പേ ഇത്ര ഡീപ്പ് നെയ് സിക്താ ലെക്കൻ യഹാപ്പേ ഡീപ്പ് ലെവൽക്ക് ഈ സാരി ചീസേന വഹി സിമ്പിൾ സാ റിവേഴ്സ് കർക്കേ 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 സർ ലോകനെ ബതാദിയ ഓർ ദേവ് സാർ ഓർ ബാക്കി സബ് സാർ സർ ലോകന സാരി സ്റ്റുഡൻസ് കോ കിസി നാ കിസി സെ ഹെൽപ്പ് കർത്തേ സാരി ബഹുത് ഈസി തരീക്കെ സെ പഠാത്തെ और मैं कोशिश कर लूँगा. मैं अपनी तरफ से ही अच्छे कर लूँ, अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर लूँ और यहाँ से निकलूँ. और അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയി ഇത് റിവ്യൂ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മികച്ച അവസരം ഞാനിത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഇത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും. കാരണം ആറ് മാസം മുതൽ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓർ ഏക് സാൽ തക് ഏ കോഴ്സ് ഖതം നീ ഹോഗ. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കോഴ്സ് ഇവർ ലൈഫ് ടൈം നെയിമില്ല, ഇന്ത്യ മേ കവി നെയിമില്ലേക്ക. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്കും ലിക്കട്ടത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവരെല്ലാം ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. കാരണം അമ്മ നമുക്കവിടെ ബ്രിഡ്കോ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിത് ഇവരെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ബിസിനസ് തൽക്കാലം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. 30 ദിവസത്തെ ഈ കോഴ്സാണ്. കാരണം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും കുച്ച്പി നെയ് പത്തായ ഹാർഡ്വെയർക്ക് പറയുമ്പോൾ കുച്ച്പി നെയ് പത്തായത്തോ हम यहाँ आकर इनसे हेल्प करके हम सभी कुछ ले लेंगे. बढ़िया है क्लास. मुझे कोई बात नहीं, ये सब अच्छा है, बढ़िया है. एक बार हमने फेसबुक में देखा था, यूट्यूब में. अच्छा, तो वहीं से देख देख के हमारे भी दिल में वो हुआ कि हम भी जाएं एशिया टेलीकॉम सीखने के लिए. अच्छा. हाँ सर. तो मासुक पहले दिन आया तुम, सवेरे 8 बजे क्लास थी, आपको क्या मिला? सर हमें MMC की क्लास मिली सर, रिवॉल्विंग की. जी सर. हमने उसको रिवॉल्व किया. जी जी सर. कितनी बार किया रिवॉल्व आपने? सर हमने 5 बार किया. 5 बार किया तो सर. कोई तुक्के में लग गई कि प्रॉपर टेक्निक से लगाई आपने? नहीं सर, जो टेक्निक आपने बताई हमने उसी टेक्निक से लगाई है. प्रॉपर तरीके से लगी वो? जी सर. और फिर दोपहर में किसके साथ क्लास थी, मतलब 11:30 बजे 11:30 आपके साथ किसकी क्लास थी? सर हमारे देव सर के साथ. देव सर के साथ क्लास थी, जिनका वीडियो देखे आप सऊदी अरब से यहाँ पर जबलपुर आए. जी सर. तो क्या लगा, क्या लगा उनके वीडियो में, क्या लगा? और जब लाइव क्लास में जब बैठे उनके आमने सामने बैठे फेस टू फेस हुए तो क्या लगा आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं उन्हीं की वीडियो देख के यहाँ पर आया हूँ. जी. क्योंकि बाहर था, क्योंकि हर रोज उनकी वीडियो देखता था. मेरे दिल में यही हो गया था मैं एशिया टेलीकॉम जाऊँगा जरूर. हाँ जी सर. तो अभी ये बताओ मेरे को क्लास में क्या नॉलेज मिला आपको? दो कंपोनेंट की क्लास थी, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2. एक क्लास कल है और एक क्लास आज थी. तो आपको किस लेवल का नॉलेज दिया सर ने आपको? सर ने हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया है क्योंकि जो बताया है 100% जो समझाया वो समझ में आया है. अच्छा जी सर. अच्छा, तो वही काम आपने प्रैक्टिकल में करा? जी सर. प्रैक्टिकल में वो चीज मिली जो सर ने पढ़ा के पहुंचाया, वो आपको PCB पे मिला कि नहीं मिला? जी सर. उस तरीके से आपने ढूंढा तो मिला कि नहीं मिला आपको? जी सर वही मिला है. वही मिला? जी सर. अभी मैं दुनिया की कोई सी भी PCB दे दूं, दो कंपोनेंट बताएं आपको, रजिस्टर और कैपेसिटर, रजिस्टर के 4 टाइप और कैपेसिटर, तो आप ढूंढ लेंगे उसको? जी सर ढूंढ. कॉन्फिडेंस के साथ? जी सर. तो बात करूं थर्मिस्टर की, तो थर्मिस्टर को पूरी PCB में से ढूंढ के निकाल देंगे आप? जी सर. कितना टाइम लगेगा ढूंढने में आपको? सर ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा. चलिए ठीक है. मेरे साथ एक और स्टूडेंट है. सर मेरा नाम नवीन सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ. और मैं लगभग 4 साल से देव सर को फॉलो कर रहा हूँ. अच्छा. यूट्यूब पर और उनको सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके मैं कंटिन्यू वीडियो देखता था. ठीक है. तो उनको देख कर आया हूँ. बराबर मैं इस फील्ड में फ्रेशर हूँ और अच्छा. मेरा बिजनेस है होलसेल का, एसेसरीज का. अच्छा. लेकिन मुझको इसमें भी उतरना था, टेक्निकल में. अच्छा. तो मैं देव सर से मोटिवेट होकर उनको वीडियो देख करके यहाँ पर आया. तो आप जो वीडियो देख के आए, तो वाकई में वो मिला कि नहीं मिला? यस सर, डेफिनेटली मिल रहा है. हाँ मिल रहा है. जो देव सर की क्लास हुई वो बहुत अच्छी थी और टेक्निकल तरीके से उनका समझाने का एक जो तरीका है वो बिल्कुल ऐसा है कि छोटे बच्चे से लेकर फिर एक्सपर्ट तक जाना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो समझाते हैं सिस्टमेटिक तरीके से. नैनो स्टेप में बताते हैं. नैनो स्टेप में. और वो हर किसी को ये समझ में आता है कि
ये रजिस्टर्स हैं, और अगर रजिस्टर्स के बारे में उन्होंने जैसे आज की क्लास में समझाया तो उसमें समझ में आ रहा था कि उनकी वर्किंग क्या है, उसको भी एक जो जितने डिपार्टमेंट डिवाइड किया हुआ है वो पूरा एक इस तरीके से लग रहा था कि एक मैकेनिकल तरीके से ना समझाकर एक इंजीनियरिंग तरीके से समझाना, उसको हाई लेवल पर लेना बराबर, और उसके लिए देव सर को मेरी तरफ से थैंक्स। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम सर कृष्ण प्रकाश तिवारी है, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। जमशेदपुर झारखंड से तिवारी बहुत दूर से है एशिया टेलीकॉम, थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दें कि आप पूर्व में क्या करते थे, अभी के वर्तमान समय में क्या कर रहे हो आप, मेरा सर इस फील्ड में कब से हो? मेरा सर इस फील्ड में मैं 8-9 साल से हूँ। 9 साल से इस फील्ड में? हाँ, इस फील्ड में 9 साल से हूँ, और ये मेरे पास मोबाइल बनाने आता था तो जितने भी डेड मोबाइल हो गए या नेटवर्क से संबंधित प्रॉब्लम हो गया कुछ भी स्टाफ, तो वो मेरे से नहीं बन पाता था। तो देव सर का मैं वीडियो देखता था तो मुझे अच्छा लगता था, काफ़ी बहुत अच्छा डिटेल में समझाते थे, लेकिन मैं नहीं कर पाता था, इसीलिए यहाँ पे आके ज्वाइन किया और जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मिला मेरे को देव सर से। तरीका क्या है पढ़ाने का और लेवल क्या है उनकी एनर्जी का, नॉलेज कितना है सर के पास? लेवल तो सर इतना हाई है, इतना हाई लेवल का पढ़ाते हैं कि हमको लगता है पूरे इंडिया में ऐसा कोई नहीं पढ़ाता होगा, बहुत जबरदस्त तरीका। किस लेवल का नॉलेज है उनके पास? इंडलेस मैंने पढ़ाते हैं, मैंने शुरू से लेकर, मैंने जैसे मैं इससे पहले भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर जानता था, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से ये होता है या कैपेसिटर की वजह से ये प्रॉब्लम, ये बिल्कुल नहीं जानता, मैंने इतना नॉलेज आज पहले ही दिन का क्लास में मुझे मिला जो मैं सोच नहीं सकता कि इस तरह का नॉलेज आज मिला मेरे को। तो ये बताओ मेरे को कि सर की क्लास जीरो था सर, जीरो था इस सब में, जीरो था पूरा। सर की क्लास में केवल थ्योरी होती है कि प्रैक्टिकल भी होता है? नहीं सर, थ्योरी भी प्रैक्टिकल दोनों होती है, दोनों साथ में चलते हैं, दोनों को सिंक्रोनाइज करते हैं। यस सर। और मतलब ये बताइए कि एंड तक कोई ऐसी चीज बसती है, कोई उनके पास जेब में रखते हैं कोई चीज की नॉलेज पूरा उड़ेल देते हैं? सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि देव सर के यहाँ ये है कि आप जितने बारे पूछ लीजिए वो कभी भी उनका मैंने ये नहीं उतारे यार तुम नहीं समझ रहे ऐसा, इस टाइप से बिल्कुल नहीं है, जितनी बार पूछो उतनी बार बताएंगे और हर बार तरीका बदल बदल के मैंने समझाने की कोशिश करेंगे कि इसको समझ में आ जाए, ये उनका बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि आपका पहले दिन में आपकी फीस वसूल हुई कि नहीं हुई? एकदम सर, मैं तो मुझे तो और बहुत पहले आ जाना था, मैं बहुत लेट कर दिया एक्चुअली। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम दिलीप कुमार चौहान, सर मैं आसाम से हूँ। हाँ जी, आसाम से बहुत दूर जबलपुर। सर हाँ सर, बहुत दूर सर, जब सब को बहुत दिन से फ्लो कर रहा था काफ़ी सालों से। अच्छा। और सर मैं इस लाइन में करीब 13 साल से हूँ। 13 साल से एक्सपीरियंस है इस लाइन का? जी सर। और आज तो आज 13 साल का एक्सपीरियंस और आज पहला दिन, कौन भारी है सर? आज का दिन भारी है? भारी है सर। भारी है जी सर। तो कैसा रहा आपका दिन भर आज, कैसा रहा सवेरे से? बहुत अच्छा था, और सुबह MMC रिबोलिंग का काम प्रॉपर जितना बार किया 8-10 बार प्रॉपर हुआ, एक बार भी मिस नहीं हुआ। अच्छा। और इसके बाद 11 बजे से देव सर के साथ क्लास था, क्लास कंपोनेंट का पूरा डिटेल नॉलेज एकदम एंडलेस नॉलेज दिए, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल किया कि नहीं PCB पे? प्रैक्टिकल किया ना। कोई सी चीज़ छूटी है आपकी? कोई सी चीज़ छूटी नहीं, सब चीज़ का प्रैक्टिकल है आपके पास? जी सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं अजय हूँ, लखनऊ UP से। अच्छा। और आज हमारा फर्स्ट क्लास था। अजय, लखनऊ UP में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है भाई? यस सर, इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, है ना, काफ़ी इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े नाम है वहाँ पे। तो फिर जबलपुर कैसे? सर वीडियो देखते थे सर। किनका वीडियो देखते थे आप? देव सर का देखते थे सर ऑनलाइन। तो देव सर का वीडियो देखा आपने ऑनलाइन देखा, तो ऑफलाइन तुमको सौभाग्य मिला आज उनके साथ क्लास में, तो क्या क्या फीलिंग्स है आपकी? सर बहुत अच्छी फीलिंग्स है सर, जितना मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था सर उससे कई गुना ज़्यादा ही है कि मतलब हाँ यहाँ से जाएंगे तो कुछ करेंगे वहाँ पे आएंगे तो। तो वो चीज़ हो रही कि नहीं हो रही आपकी? हो रही है सर। अगर मैं पहले दिन बोलूँ कि कल आपने फीस दी तो आज तुम्हारा को पैसा वसूल होते हुए दिखता नहीं? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है आपको पैसा वसूल होते हुए? उससे कहीं गुना ज़्यादा हम लोग को अब ये है कि अगर हमसे बने तो बने, नहीं तो किसी से ना बने वो। अच्छा, ये है सर। तो हर चीज़ का एंडलेस सॉल्यूशन मिल रहा है? हाँ हाँ सर मिल रहा है, एक एक चीज़ की सर बारीक जानकारी, और वही हम लोग लेने भी आए हैं यहाँ पे। तो आप एक दिन की क्लास में ये बोलूँ कि आप इसके पहले भी काम करते थे तो वो भारी है कि एक दिन की क्लास भारी है? यस सर, एक दिन भारी है। एक दिन भारी है, जितना सर जिया अब तक ये भारी है, अभी सब दिख रहा है कि हाँ कुछ है आगे। बराबर है, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट सर राजस्थान से। जी बताइए, आज पहला दिन सवेरे 8 बजे से आपकी क्लास, अभी बज रहे हैं ईमानदारी से 10:45 बज रहे हैं, और 10:45 बजे तक क्या क्या आपका रहा काम आज, क्या भूमिका रही एशिया टेलीकॉम में आपकी सर, और क्या सीखा आपने? सर हमने सुबह सुबह आते ही सर EMC रिबोलिंग करी। ठीक है, उसके बाद में इसके पहले करते थे रिबोलिंग आप? नहीं सर। EMMC करी थी आपने कभी रिबोलिंग? नहीं। तो ये पहली बार में डन कैसे हुई, कितनी बार किया आपने?
मैंने 5 बार किया। तो तुक्के में करी क्या? नहीं नहीं, प्रॉपर तरीके से करी। प्रॉपर तरीके से करी और बीच में अगर कुछ हेल्प चाहिए होती तो ली भी सही और मुझे बराबर हेल्प मिली भी सही। अच्छा, एशिया टेलीकॉम की तरफ से। अच्छा, यहाँ के टीचर की तरफ से। और फिर उसके बाद में देव सर की क्लास थी तो उन्होंने प्रॉपर जानकारी दी, हर चीज़ की नॉलेज एक्यूरेट दी। और कुछ बात हो तो हमने उनसे पूछी, एक नहीं दो नहीं, उन्होंने कहा कितनी बार आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। बराबर है, हमने हम उनके साथ बहुत बढ़िया रहा। नॉलेज का लेवल के साथ? नॉलेज का लेवल बहुत हाई है सर, बहुत बढ़िया। मतलब एक तरीके से सोचे ना तो सोचने से भी कहीं ज़्यादा ऊपर। तो आप सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया, सही इंस्टीट्यूट में आए कि आप? सही इंस्टीट्यूट में आया सर, और इस जगह के लिए हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था। अच्छा, उस बीच में लॉकडाउन फिर वगैरह, मतलब ऐसे कुछ, मतलब करीब सन 2019 से मैं सर यहाँ आने के ट्राई कर रहा था। 22 में आया तो भाई यहाँ पे अनुशासन बहुत तगड़ा है, तो अनुशासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, पढ़ाई के लिए अनुशासन होना चाहिए। होना चाहिए सर, वो ये अनुशासन पूरे स्टूडेंट के लिए बेहतर रहेगा, जितना अनुशासन रहेगा स्टूडेंट को फायदा है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मैं यूपी से बलिया से हूँ। जी बताइए, आज आपका दिन कैसा रहा, आपने शुरुआत कहाँ से करी, क्या क्या पढ़ा आपने आज? जी सर, हम सुबह 7:30 बजे आए और आते ही यहाँ पे आईसी रिबोलिंग। हाँ, रिबोलिंग किया आपने? जी। अच्छा, तो रिबोलिंग कितनी बार किया आपने? यही 6-7 बार किया। 6-7 बार किया, तो प्रॉपर तरीके से किया या तुक्के में कर दिया? एक दो बार नहीं हुआ लेकिन बराबर हुआ। उसके बाद बराबर हुआ जी। तो तुक्के से हुआ कि प्रॉपर तरीके से हुआ? प्रॉपर तरीके से। सर, मेरा नाम शाहबाज जब्बार भाटकर है जी। मैं चिपलून महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ, और मेरे एक्चुअली मामू की शॉप है। हाँ, तो मेरे को ये फील्ड में आना था, तो मेरे मामू ने बोला अगर तेरे को बेसिक से अगर सीखना है। हाँ, तो ए वाली इंस्टीट्यूट है इसमें जाएगा, तो जो सर जो ओनर खुद है वो खुद ही टीचर सिखाते हैं। बराबर, तो अगर ओनर ही कुछ सिखा रहे तो वो कितने एक्सपीरियंस रहेंगे। तो उनके वैसे मैं यहाँ पे आया, उनके उनने बताया। मैं आने के बाद मैंने एक्चुअली रिव्यू भी कुछ देखा नहीं था, लेकिन उनके बताने पे मैं आया। लेकिन आने के बाद यहाँ पे पहले ही दिन मैं आईसी रिबॉलिंग करना सीख गया। अच्छा, आज की जो पहली क्लास थी सुबह की प्रैक्टिकल, उसमें ही आईसी रिबॉलिंग और वो भी एक ट्रिक बताई थी, उसके थ्रू मैंने किया। और मैंने कम से कम 6-7 बार जब से कंटिन्यूस करते गया, और मेरा हाथ मैं इससे पहले नहीं किया बराबर। और उसके बाद आज प्रैक्टिकल के बाद थेरी ये हुई, तो उस पर हम लोग को कंपोनेंट्स के बारे में सिखाया गया। तो कंपोनेंट्स में बहुत सारे रजिस्टर्स और उसके अलग अलग पार्ट्स है, तो वो फुल डिटेल से सिखाया गया हम लोग को। अच्छा, कोई चीज़ स्किप करी हो या शॉर्ट में सिखाया? नहीं 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 सर, पूरा डिटेल में सिखाया। हाँ सर, पूरा डिटेल में सिखाया। और अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा था तो भी 2-3 बार हम लोग को और समझा रहे थे। अच्छा, जैसे रिवाइज कर रहे थे। और अभी 10 बज गए और हम लोग उसके बाद वापस प्रैक्टिकल को आए थे 6 बजे। तो प्रैक्टिकल में हमने जो इसमें रिवीजन किया था, तो हमने इसमें प्रैक्टिकल में हम लोगों ने वापस कंपोनेंट्स और रजिस्टर और ये सब कैसे चेक करते हैं, उनका पोजीशन क्या, उनका ड्रेस, तो वो सब हम लोगों ने वापस यहाँ पे किया। तो एक दिन की क्लास में ऐसी कोई चीज़ जो पढ़ाई गई हो आपको समझ में नहीं आई? नहीं सर, मेरे को तो समझ में आ गया, और जो ट्रिक से समझ में आया ना वो पहले नहीं आया, क्योंकि इतने छोटे छोटे सब कंपोनेंट्स में मैं देख के कंफ्यूज हो रहा। लेकिन जिस तरीके से आपने कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना सीखा है, एक्सेलेंट है सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम मोहित चौरसिया है, मैं इंदौर से आया हूँ। जी मोहित बताइए। सर, मेरे को हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रहा है, तो मैं यहाँ पर एंडलेस नॉलेज लेने आया हूँ। जो सर का देव सर का नॉलेज है वो अल्टीमेट है, मतलब उसको बयान नहीं कर सकते, वही नॉलेज मैं गेन करने यहाँ आया हूँ। बराबर, तो ये बताइए मेरे को कि जो नॉलेज लेने आया, जो आप वीडियो देखा होगा आपने, क्लास लेके तो गए नहीं होंगे, किसी प्रकार की कोई डेमो क्लास तो होती नहीं है यहाँ पे, है ना? तो जब आपने सारा वीडियो में देखा था, तो वीडियो में जो देखा था तो वो वाकई में रियलिटी में मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, रियल है, वो तो रियल है। देव सर का नॉलेज अल्टीमेट है और बिल्कुल एंडलेस तरीके से बताते हैं, कोई भी चीज़ को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा समझाते हैं, और वही मैं पूरा आज समझाऊँ। आज की क्लास में अटेंड करा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वो प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? सब चीज़ का प्रैक्टिकल करा उसका? हाँ, सुबह पेट भर के प्रैक्टिकल करा पे, ये जी यस सर, मैंने यूनिवर्सल स्टेंसिल से भी रिबॉल किया, EMMC पहली बार में ही करा मैंने, 1 टाइम में रिबॉल हुआ सर। अच्छा, इसके पहले कर पाता नहीं, 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 नहीं हो पाता EMMC आज तक रिबॉल नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद शाम को प्रैक्टिकल हुआ, जो सर ने पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल हुआ आपका? यस सर। तो वो प्रैक्टिकल में आपने सारा चीज जो सर ने पढ़ा के पहुंचाया, तो आपने PCB पे ढूंढा कि नहीं ढूंढा? ढूंढा सर, ढूंढा, मैं बता सकता हूँ, इतना नॉलेज हो गया आपने, बता सकते हो। अभी कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट हो, थर्मिस्टर से लेकर कोई भी कंपोनेंट, रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, आज सर ने 2 चीज़ पढ़ाया, रजिस्टर और कैपेसिटर, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं बता सकता हूँ एनी टाइम। जी सर,
तो आज मैं बात करूँ सवेरे की क्लास में, आपने ईएमसी कितनी बार बोल किया? सर मैंने 6-7 बार आई थिंक, मतलब एक दो बार नहीं हो पाई, बट जितनी बार मतलब जितनी बार आप बताते रहे ट्रिक उसके बाद फिर सही होती थी। तो अभी कोई जब आपने 6-7 बार करी तो 3 बार आपसे नहीं हुआ, चौथी पांचवी छठी बार तो फिर वो प्रॉपर तरीके से हुई, परफेक्ट हुई ना? तो परफेक्शन आया कि नहीं आया? यही क्लास आपकी कल भी है तो और परफेक्शन निकल के आएगा आपका। तो कॉन्फिडेंस है कि नहीं आपको सर? अगर मैं दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सल स्टेंसिल आपको वो आपको अगर एमएमसी देता हूं तो आप रिवॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मैंने प्रॉमिस है। और बात करूं मैं कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट की क्लास आपकी देव सर के साथ थी, आपको जो नॉलेज मिला आपने उसको प्रैक्टिकल क्लास में भी किया आपने? 100% रिजल्ट मिला उसका आपको? बिल्कुल। पूरा पीसीबी में अभी चेक करके बता सकते हो कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है और क्या काम है इसका? हाँ जी सर, रजिस्टर कॉइल और क्या बोलते हैं, दो चीज पढ़ाई है आपको, आपको कैपेसिटर पढ़ाया और एक रजिस्टर पढ़ाया, रजिस्टर के सारे टाइप पढ़ाया आपको। यस सर, है ना? Yes, तो ये इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए डेडिकेटेड क्लास है हमारी कंपोनेंट 1 की क्लास और कल है हमारी कंपोनेंट 2 की क्लास। कौन से पढ़ाया सर ने आपको? डीप लेवल से, लो लेवल से हाई लेवल तक सारी पढ़ाया है। अच्छा, और देव सर के लिए इतने पढ़ाया कि वो कोई भी समझ सकता है, ऐसे पढ़ाया है। और देव सर के क्लास सकने के बाद फिर हम आके कंपोनेंट्स के ट्रेसिंग कर लिए। पूरा ट्रेस किया आपने? यस। एक एक चीज़ क्लियर है आपकी? यस सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। फर्स्ट बार तो खैर मेरे से हुआ नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम था। सेकेंड बार भी 4 पिन छूट गया। ठीक है, लेकिन थर्ड बार बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ, प्रॉपर तरीके से हुआ। फोर्थ 5-6 बार किया था, फिर उसके बाद अपनी क्लास लगी 11:30 बजे के साथ। ठीक है, 6 घंटे क्लास चली, फिर उसके बाद अपन। किस लेवल से पढ़ाया सर ने आपको? दो कंपोनेंट पढ़ाए तो कैसा लगा आपको उनके पढ़ाई का नॉलेज, उनका नॉलेज, उनका डेप्थ में बताना कैसा लगा? बहुत ज़्यादा डीपली बताया, तो वो चीज़ें आपके सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, तो वो चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आपने प्रैक्टिकल किया क्या उसका? जी जी, इस क्लास में प्रैक्टिकल किया, एक एक चीज को एनालिसिस किया आपने? जी जी। एक एक रजिस्टर को नापा, रजिस्टर के सारे 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 प्रकार करे आपने, चेक करे इसके अंदर पीसीबी, डायोड, कैपेसिटर, थर्मिस्टर, सब चीज। अच्छा, आगे सीखूंगा। तो आपको यहाँ का डिसिप्लिन, पढ़ाने का तरीका, टीचिंग का तरीका, पढ़ाई के ओवर्स, हम 13 घंटे का या 12 घंटे का बोल के ऐसा तो नहीं कि तुमको बिठा रखते हैं यहाँ पर? ऐसा नहीं है, बस प्रैक्टिकल के साथ थियरी के साथ दोनों साथ पढ़ाता है। आपने एमएमसी रिवॉल्व किया? हाँ, एमएमसी रिवॉल्व किया। बढ़िया तरीके से हुआ आपका? हाँ, फर्स्ट टाइम किया है, बढ़िया तरीके किया, बढ़िया तरीके से हुआ। कंपोनेंट का पूरा नॉलेज आपने पूरी पीसीबी में ट्रेस किया आपने? हाँ, पूरा नॉलेज आगे ट्रेस किया। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो दिवाकर ये बताओ, तुम्हारी सवेरे क्लास थी आपकी, आपने एमएमसी कितनी बार रिवॉल्व करी? मैंने एमएमसी 5 बार रिवॉल्व करी और 5 बार बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आया है। प्रॉपर तरीके से करी कि कोई तुक्के में करी? नो सर, प्रॉपर थी, प्रॉपर तरीके से। जी सर। चलिए, उसके बाद आपकी 11:30 को आपकी देव सर के साथ क्लास थी? जी सर। तो उस क्लास के बारे में बताइए आप। और देव सर ने काफ़ी डीपली नॉलेज दी, जो भी दी सारा का सारा बहुत परफेक्ट तरीके से समझाया और पूरा समझ में आया सर, पूरा क्लियर है एक एक चीज़। जी सर। चलिए, माय नेम इज जसप्रीत, मैं पंजाब से हूँ। जी जसप्रीत बोलिए। बढ़िया सर, ये शटागम बहुत बढ़िया है, बढ़िया सिखाया आज भी। पंजाब से आए, कुछ मिला कि नहीं मिला? सर मिला, तभी तो खुश हैं। खुश हैं तभी? हाँ जी सर। अच्छा, उसके बाद आपने ईएमसी की क्लास में ईएमसी कितनी बार रिवॉल्व करी? सर 5 बार की है। 5 बार की? 4 बार परफेक्ट आई, 1 बार थोड़ी हो गई थी। हाँ। वो जब 5 बार की है परफेक्ट पूरी होगी। परफेक्ट तुक्के में तो नहीं हुआ ना काम? नहीं सर, जबरदस्ती तो नहीं हो रहा, तुक्के में तो नहीं हो रहा, ये क्लास आपकी कल भी। अच्छा, ये बताइए, देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, क्या बोलेंगे उस क्लास को लेकर? बढ़िया सर, बढ़िया। जो 2.5 साल में मिला वो 1 दिन में मिल गया, जो 2.5 साल में नहीं मिला वो 1 दिन में मिल गया। दिन में क्या बोलेंगे देव सर के लिए? बेस्ट है सर, बेस्ट है। चलिए ठीक है। थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। सबसे नंबर वन स्थिति